পথারর মাজত হ হ কলা বাকস। কি আছে বাকসত? কি উদ্দেশ্যে থোৱা হৈছে বাকসকেটা? পথারর মাজত মেলি থোৱা বাকসকেটার সম্পর্ক আছে বিঘায় বিঘায় খেতি করা সরিয়হর হইতে। সরিয়হর হালধিয়া ফুলেরে ভরি পড়ছে পথার। সরিয়হর খেতিরে একাংশই উপার্জন করেছে লাখ লাখ টকার মৌ। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পৰা ট্রাকে ট্রাকে লোকজনে লৈ আহিছে মৌ মাখি। हम बिहार पूर्णिया जिला से आए हैं। कितने दिन के लिए? यहाँ 15 दिन एक महीना रुकेंगे यहाँ। जब तक सरसों में फूल रहेगा तब तक हम रुकेंगे, उसके बाद यहाँ चले जाएंगे। मधुमक्खी का प्रोडक्शन एवं हनी प्रोडक्शन के लिए आए हुए हैं हम लोग। অসমৰ পৰা উৎপাদন কৰা এই মৌসমূহ দেশৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন নামী দামী কোম্পানীত বিক্ৰী কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে এই লোকসকলে। প্ৰতি কেজিত 350-350 বিক্ৰী কৰিছে মৌ। ये सारे कंपनी है, यानी कि मस्टर्ड हनी जो है ना, सरसों का शहद जो है, ये अदर कंट्री चला जाता है सब। ये मधु घी की तरह जम जाता है, तो हमारे देश में आदमी कहता है कि ये चीनी मिला हुआ है, तो इसमें ग्लूकोज का मात्रा बहुत अधिक होने के कारण ये जम जाता है घी की तरह। ये सारा शहद विदेश जाता है, विदेश वाले खाते हैं, अदर कंट्री वाले। हम ट्रक से सबको लेके आए यहाँ पर, फायदा हो जाता है। तो ऐसे 350 खुला बिक्री, 350-300 रुपया बिक्री हो जाता है मेरा यहाँ पर। अब वो तो बहुत कम बिक्री होता है, अब बाकी कंपनी जो रहता है उसका कीमत अलग होता है, उसका निश्चित नहीं रहता है कितना 300 लेगा कि 200 रुपया लेगा कि 150 रुपया लेगा, उसका निश्चित नहीं रहता है। या बस यहीं पर टेंट बना हुआ है, यहीं पर रहते हैं हम लोग। बस उसको जमीन खाली देखे, उनसे जमीन बोले कि भाई मधुमक्खी रखना है, उनको जो है कि 2 किलो 4 किलो 5 किलो शहद खाने के लिए दे देते हैं। हम यहाँ पर अभी तो 3 आदमी, वैसे 5 आदमी हम लोग रहते हैं। কিন্তু উল্লেখ্য যে অসমৰ ভূমিত হোৱা সৰিয়হৰ খেতিৰে একাংশই বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি মৌ উৎপাদন কৰি উপাৰ্জন কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ খেতিয়কে গুৰুত্ব দিয়ে হয়তো আৰু অধিক ধন উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি হৈ উঠিব। ইয়াৰলি দেখিয়ে প্ৰতি বক্স 1000 ৰুপিয়া হৈ যায় হে। हमारे नदी के किनारे में कुछ फ्लावर होते हैं जिससे 2-3 महीना इसको भोजन सिर्फ मिलता है। जब वर्षा होने लगता है, बिल्कुल फूल नहीं होता है कहीं पर, तो इसको चीनी घोल के खिलाना पड़ता है जिंदा रखने के लिए इसको। यहाँ अभी 250 करीब है। तो असम में जिससे हम बिहार से जिस जगह पूर्णिया जिला से आ रहे हैं, लगभग 7-8 गाड़ी बक्सा है, यानी कि कहा जाए लगभग 2000 के करीब बक्सा है। हम लोग अभ्यास है, थोड़ा जानते हैं, थोड़ा सा दर्द। देखिए ये जब काटती है तो इसका जो पॉइजन है ना, आपको अगर काट ले एक मधुमक्खी तो दर्द तो होगा, लेकिन शरीर में बहुत कुछ दे के जाते हैं, लेकिन जाते हैं, थोड़ा दर्द देता है लेकिन बहुत कुछ दे के जाते हैं। सपोरोप्रा नवीन चक्रवर्ती, रिपोर्ट, टाइम 8।